आगरा के ताज नगरी में लगने वाला आगरा महोत्सव मिडनाइट बाजार इस बार भारतीय कला संस्कृति और व्यापार की विरासत की परंपरा से सजा धजा दिखाई देगा। यहां आने वाले लोगों को दीपावली के पूजन और घर सज्जा के जरूरत के सामान तक मिलेंगे। बुधवार को कोठी मीना बाजार में रावी इवेंट्स की ओर से आयोजित किए जा रहे आगरा महोत्सव की उद्घोषणा के साथ निमंत्रण पत्र का विमोचन आयोजन समिति ने किया। इस दौरान कोठी मीना बाजार के मैदान में आचार्य सत्यप्रकाश शर्मा एवं उमाशंकर शर्मा ने संयुक्त रूप से विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आगरा महोत्सव की सफलता के लिए भूमि पूजन व हवन संपन्न कराया। बहुत बड़ा मंच है आगरा में छोटे उद्यमियों के लिए और निश्चित तौर पर पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। अब जैसे किसी समय अलीगढ़ में नुमाइश लगती थी, उसके कंपैरिजन में मनीष भाई का ये मिडनाइट बाजार लगता है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ मनीष भाई को और पूरी टीम को के इसके सफल आयोजन के लिए। भारत विकास परिषद संपर्क शाखा इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महिला सम्मान का कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें ब्रज प्रदेश की प्रख्यात जिन्होंने प्रबुद्ध महिलाएं जिन्होंने बहुत अपने क्षेत्र में नाम किया है, 20 ऐसी महिलाओं का सम्मान भारत विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा इस 11 दिवसीय आयोजन में। बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा और आज इस मेले का विधिवत भोपरा यहाँ पर आयोजन समिति के द्वारा की जा रही है और विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर देवी देवता का आह्वान किया गया मेले की सफलता के लिए। जैसा कि रावी इवेंट्स द्वारा विगत कई वर्षों से आगरा के अंदर आगरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में ये आयोजन कोठी मीना बाजार में दीपावली से पूर्व एक बेहतर खरीदारी और स्वस्थ स्वच्छ सुरक्षित वातावरण के बीच आनंद लेने के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। जैसा कि हमारी इसमें पंचलाइन है, भारतीय कला संस्कृति और व्यापार की विरासत का अनूठा संगम, मतलब इसमें व्यापार भी होगा, इसमें संस्कृति भी होगी और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर समावेश होगा। अगर मैं बात करूँ तो लघु भारत के रूप में नज़र आएगा ये पूरा आगरा महोत्सव। यहाँ पर लगभग 16 राज्यों के शिल्पकार यहाँ पर आ रहे हैं और ये विभिन्न 4 जोनों में इसको बांटा गया। एक और खरीदारी का बड़ा बाजार होगा तो एक और फन जोन का बड़ा बाजार होगा और एक और सांस्कृतिक मंच से लोग आनंद ले रहे होंगे और दूसरी ओर खाने पीने के तमाम व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आपके चैनल के माध्यम से आगरा की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा इस 11 दिवसीय आयोजन के परिवार के साथ आएं और दीपावली से पूर्व लगने वाले इस आयोजन में विभिन्न विकल्पों के बीच अपनी खरीदारी का आनंद लें और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण के भी आनंद लें। सबसे प्रमुख बात इस आयोजन की है कि इसमें प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। ये आयोजन शहर की आम जनता के लिए मुख्य द्वार से लेकर मुख्य मंच तक सभी लोग इस आयोजन का पूरा सहयोग ले सकते हैं। तमाम शहर की सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं इसमें कार्यक्रम कर रही हैं और किस दिन कवि सम्मेलन है, किस दिन नाट्य उत्सव है, किस दिन नशा मुक्ति पर है और किस दिन काव्य पाठ है। तमाम साहित्यकारों को यहाँ पे सम्मान, जादूगर का शो भी इसमें किया जा रहा है, जादूगरों का सम्मान भी इसमें किया जा रहा है और व्यापार के क्षेत्र में उद्यमियों के भी सम्मान यहाँ पर हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। तमाम चीज़ों को समावेश करा हुआ होगा ये आगरा महोत्सव मिडनाइट बाजार। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।